नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? सबके सब सब बढ़िया। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है हाउजी क्विज, इंडिया की फर्स्ट लीगल हाउजी गेम एप्लीकेशन। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है, आप अपने स्किल की मदद से इसमें पैसे अर्न कर सकते हो। और इस एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अगर आप एप्पल यूज़र हो तो आप ऐप स्टोर से भी इसको डाउनलोड कर सकते हो। नॉर्मली सबसे पहले आपको कुछ सिंपल स्टेप्स में आप इस एप्लीकेशन में रजिस्टर करना होता है, और फिर बाद में जो डेली गेम्स होते हैं उसमें आप टिकट परचेस करके पार्टिसिपेट कर सकते हो। एक टिकट की कॉस्ट 25 रुपीज़ होती है, और डेली एक यूज़र मैक्सिमम 2 टिकट इसमें परचेस कर सकता है। ओके, अगर आपने करेक्ट आंसर दिया तो जो आपका टिकट का नंबर है वो ग्रीन हो जाता है, या फिर अगर आपने इनकरेक्ट आंसर दिया तो जो आपको टिकट जो आपने परचेस किया उसका नंबर आपका रेड हो जाता है। तो आपकी जो विनिंग प्राइज है वो आप पेटीएम में फिर बैंक ट्रांसफर से भी विदड्रॉ कर सकते हो। और मेन हर संडे इसमें एक स्नोबॉल संडे गेम करके होता है जिसमें आप 1 लाख तक के कैश प्राइजेस जीत सकते हैं। इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप डाउनलोड करके जरूर देखिए। और अगर आपको घर बैठे बैठे कुछ अपने स्किल्स की मदद से पैसे कमाने तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ और देखते हैं कि आप इस अमेजिंग गाने को किस तरह सीख सकते हो और अपने कीबोर्ड के ऊपर प्ले कर सकते हो। हाँ, तो अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ। कैसे हो सबके सब? सब बढ़िया। तो इस वीडियो में हम देखते हैं, सीखते हैं कि ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, किस तरीके से आप अपने कीबोर्ड, अपने इंस्ट्रूमेंट, अपने पियानो, अपने हारमोनियम, अपने मोबाइल पियानो के ऊपर प्ले कर सकते हो आसानी से इस वीडियो को। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। जो बंदे एकदम शुरू से सीख रहे हैं और अभी कीबोर्ड सीखना शुरू किए हैं तो वो भी आसानी से इस वीडियो के थ्रू इस गाने को म्यूजिक के साथ बजा पाएंगे। ठीक है, सबसे स्टार्टिंग से शुरू करेंगे जब अमिताभ बच्चन जी इसमें जो अभिनय कर रहे हैं और जो एक स्टार्टिंग में अलाप है म्यूजिक के साथ, और उसके बाद में गाना शुरू होता है ओ साथी रे। ठीक है, तो सबसे पहले उस स्टार्टिंग वाले पार्ट को सीखेंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ेंगे पूरे गाने की तरफ। वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा, आप आसानी से इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो म्यूजिक रिलेटेड सीख के जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक एक लाइन प्ले करके बताऊंगा, फिर धीरे धीरे अपने तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले किस तरह ला 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 ला, फिर बैकग्राउंड में म्यूजिक, फिर म्यूजिक भी कुछ इसी टाइप का। ठीक है, फिर क्लियर, इसके बाद में वापस म्यूजिक। फिर इसके बाद में स्ट्रिंग में इसके बाद में गाने की शुरुआत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग है म्यूजिक को सीखते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे की तरफ। एक एक पार्ट आपको अलग अलग करके समझाऊंगा जिससे जो एकदम शुरू से जो बिगिनर है और अभी उन्होंने कीबोर्ड प्ले किया और इस गाने की शौक या फिर उनको ये गाना प्ले करना तो आसानी से समझ सके, सीख सके। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग में, ठीक है, 1 2 3 4 ओरिजिनल गाने को साथ में लीजिए और साथ में देखो मैच कीजिए, आपको सेम इसका अंदाजा आएगा और सेम आपको सही फीलिंग आएगी, देखो हाँ मैं सही बजा रहा हूँ। इसलिए ओरिजिनल गाने को साथ में ले लेके फिर धीरे धीरे एक एक लाइन, एक एक म्यूजिक पार्ट प्रैक्टिस कीजिए। ला 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 ला, किस तरह, फिर सेकंड, इसमें भी 1 2 3 4 ये 4 सुर। फिर अगला पार्ट, फिर इसके बाद में खाली 2 सुर। फिर गाने की शुरुआत, ठीक है, काफी प्यारे तरीके से। फिर इसके बाद में एक म्यूजिक आएगा काफी प्यारा, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 किस तरह। ठीक है, क्लियर। इस म्यूजिक के बाद में एक और प्यारा सा म्यूजिक, इसके बाद में गाने की शुरुआत। ठीक है, फिर ठीक है,
इसके बाद में यही इसी प्रकार की सिमिलर ट्यून स्ट्रिंग में, किस तरह 1 2 3 4 5 सेम रिपीट, क्लियर। आशा करता हूँ आपने आता है इसका जो म्यूजिक पार्ट है वो सीख लिया होगा और समझ लिया होगा। अगर फिर भी कुछ भी डाउट हो तो वीडियो को पीछे करके फिर से देखिए और फिर से सही पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए और देखिए, ठीक है। तो यहाँ तक इसका ये म्यूजिक पार्ट कंप्लीट होता है और अब बढ़ते हैं हम इसके गाने की तरफ जो काफ़ी प्यारा है। और अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो यहाँ पर मेरी इंस्टाग्राम यूज़र आई डी आ गई होगी @the_kamlesh, आप वहाँ पर मेरे को फॉलो कर सकते हो डेली अपडेट्स के लिए, ठीक है। अब बढ़ते हैं गाने की तरफ, गाना काफ़ी प्यारा और काफ़ी सरल। तो गाने की पहली लाइन कैसे, ओ साथी रे, फिर तेरे बिना भी क्या जीना, फिर म्यूजिक आता है। एक्चुअली मैं ले इसमें जो स्ट्रिंग ट्यून है वो बैकग्राउंड म्यूजिक में कई ज़्यादा काम आती है, इसलिए मैं बैंक में सेव कर लेता हूँ, तो जिससे कि आप जल्दी जब भी कोई दूसरी ट्यून आपको बदलनी हो तो जल्दी हो, ठीक, क्विक तरीके से आप ट्यून को बदल सके। तो ओ साथी रे टूटी में लेते हैं, अभी इतनी देर में ट्यून यूज़ करा था वो थी टूटी, ठीक है। तो किस तरह, फिर तेरे बिना भी क्या जीना, 1 2 3, एक्चुअली तीन ही सुर है, इसको आप इस सुर के मात्रा के हिसाब से यूज कर सकते हो खाली हल्के से टच करके, किस तरह, ठीक है। 1 1 2 2 1 3 1 2 2, ठीक है। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक 1 2 3 4, वापस सेम, क्लियर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग का मुखड़ा पार्ट है यही सेम चीज रिपीट होगी, मतलब दूसरी बार में भी, ठीक है। एक बार ये चीज सेम चीज दो बार प्ले होगी, तो दो बार में दूसरी बार में मैं आपको पूरा वन फिंगर से बता देता हूँ किस तरह, क्लियर। इसके बाद में अगली लाइन, फिर तेरे बिना भी क्या जीना, ठीक है, किस तरह, रिपीट। फिर लास्ट लाइन, काफी ही प्यारी लाइन, किस तरह, फिर कवर करना है, इस तरीके से जो इसका मुखड़ा पार्ट है वो समाप्त होता है। तो अब बढ़ते हैं इसके अंदर की तरफ, काफी इसका प्यारा अंतर है। आशा करता हूँ आपने जो यहाँ तक मुखड़ा पार्ट है वो जो म्यूजिक पार्ट है वो आसानी से आपने सीख लिया होगा। बीच में अगर मुखड़े और अंदरे में म्यूजिक की बात करें तो आप ओरिजिनल गाने को सही से समझ के भी प्ले कर सकते हो, या फिर अगर आपको और कोई डाउट हो तो फिर बाद में जो हमने स्टार्टिंग में प्ले किया था उसी म्यूजिक को आप बीच में भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसका देखते हैं अंतरा भाग किस तरह, अंतरा इसका काफी प्यारा और एकदम दिल को छू जाने वाला, लगभग सिमिलर है मुखड़े के समान, लास्ट लाइन मुखड़े के जैसी है और लेकिन जो स्टार्टिंग में थोड़ा अलग लेकिन काफी आसान, किस तरह, फिर फिर 1 2 3 4, चार सुर के ऊपर जो अंदर की मेन लाइन है और इसके बाद में सेम पहले जैसी, ठीक है। तो अंदर देखते हैं काफी शानदार, किस तरह अलग अलग भाग कर देंगे, जिसमें पहला भाग, ठीक है, नॉर्मली रखना चाहे तो अब इस तरह भी प्ले कर सकते हैं, फिर सेकंड पार्ट, बाद में वही सेम पहले वाला कॉन्सेप्ट रिपीट, फिर किस तरह,
बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। इसके बाद में सेम तेरे बिना भी क्या जीना वाली लाइन, और फिर गाना समाप्त। ठीक है, और समाप्त नहीं, एक्चुअली जो सेकंड अंतरा है वो भी कुछ इसी तरीके से प्ले होगा। बीच में म्यूजिक आप ऐसे करके जैमिंग कीजिए और पूरे गाने को अच्छी तरीके से प्ले कीजिए, और कहीं पे भी इंजॉय कीजिए, धुन बजाइए और कहीं पे भी परफॉर्म कीजिए। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। ठीक है, तो होप आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आएगा, और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा तो आपका खूब खूब धन्यवाद वीडियो को यहाँ तक समय देने के लिए। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख लिया तो क्या करो मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करो ऐसे ही और लेटेस्ट वीडियो के लिए, और चैनल के ऊपर जाओ आपको और कई प्रकार की इसी प्रकार की म्यूजिक रिलेटेड टिप्स और ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। विजिट करो चैनल को और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा। कमेंट करो, कमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे मुझे पता चलता है आने वाली मेरी वीडियोज़ में मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है वगैरह वगैरह। तो मिलता हूँ आपसे इस प्रकार की एक और नई इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी, और अपना ध्यान रखें।